हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। तो बच्चों, जैसा कि आपको दिख रहा है और आपको पता भी होगा कि अब बोर्ड ने आपका जो सिलेबस है, जो आपका थोड़ा सा उसमें संशोधन करके सिलेबस है, वो अपनी वेबसाइट पर डाल दिया है। तो अपना चैप्टर नंबर 8 चल रहा है, तो उसमें मैंने यहाँ कुछ सब कुछ लिख दिया है कि जैसा कि आपको पता है, कोर्स जो आपका है 35 से 40% तक कम हुआ है। टॉपिक हर चैप्टर में डिलीट लगभग हुए हैं, फर्स्ट चैप्टर में नहीं हुए हैं। तो आप देख सकते हैं, देखो थोड़ा इसमें आप देख लें, चैप्टर नंबर 8 चुंबकत्व एवं चुंबकीय पदार्थों के गुणधर्म हमारा चल रहा था। तो यह है रिमूव्ड टॉपिक, जो रिमूव हो चुके हैं आपके टॉपिक से, हटा दिए गए हैं सिलेबस से। चैप्टर नंबर 8 में से इन टॉपिकों को हटा दिया गया है। तो ये हटाए गए टॉपिक यहाँ के सारे, ठीक है। तो इनको देख लेते हैं एक बार। देखिए, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, हम तो सब कुछ पढ़ चुके हैं इसमें, बाकी के चैप्टर भी बात करेंगे, पहले हम जो चल रहा है उसके देख लेते हैं। तो रिमूव टॉपिक है प्राकृतिक चुंबक, कृत्रिम चुंबक, ठीक है, ये सामने पढ़ा हुआ है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय द्विध्रुव, ठीक है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ये हाँ बिल्कुल डिलीट हो चुके हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षण चुंबक या दंड चुंबक पर बल आघूर्ण, tau is equal to mb sin theta, तो वो भी डिलीट हो गया है। चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण, जो हम पढ़ रहे हैं अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय, वो भी डिलीट हो गया है। नहीं, हमने दो तो पढ़ लिए हैं, तो मैं लौह चुंबकीय को पढ़ाऊंगा। चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण, विशिष्ट उपयोगों के लिए चुंबकीय पदार्थों का चयन, और लास्ट है चुंबकीय पदार्थों का तुलनात्मक अध्ययन। तो ये टॉपिक डिलीट हो गए हैं चैप्टर नंबर 8 में से, ठीक है ना। तो आपके पास आपकी जो बुक है राजस्थान बोर्ड की, उसमें आप इन टॉपिक्स पर क्रॉस का साइन लगा सकते हैं, ठीक है, कि हमें इनको ध्यान नहीं देना है। वैसे आप नॉलेज के लिए पढ़ सकते हो, लेकिन इनमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। अब ये टॉपिक है जो हमारे सिलेबस में है, अब बचे हुए टॉपिक ये है जो आपके सिलेबस में है, जिन्हें हमें पढ़ना है, और इन्हीं में से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। उदासीन बिंदु हम पढ़ चुके हैं, भूचुंबकत्व पढ़ चुके हैं, भूचुंबकत्व के अवयव भी हम पढ़ चुके हैं, चुंबकत्व एवं गाउस नियम ये भी हम पढ़ चुके हैं, पदार्थों का चुंबकीय क्षेत्र के प्रति व्यवहार। तो देखो, ये थोड़ा सिमिलर सा टॉपिक लगता है कि चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण, यानी एक तो मैं इसकी बात कर रहा हूं चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण, ठीक है, और ये पदार्थों का चुंबकीय क्षेत्र के प्रति व्यवहार। तो पदार्थ, अलग अलग पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र के प्रति अलग अलग तरीके से व्यवहार करते हैं, वही उनकी तीन कैटेगरी है। तो इसको तो हम पूरा पढ़ेंगे, क्योंकि एक जैसा लग रहा है मुझे, पदार्थों का चुंबकीय क्षेत्र के प्रति व्यवहार, वही अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय और प्रतिचुंबकीय वाली बात है। चुंबकन तीव्रता हम पढ़ चुके हैं, चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा वगैरह, चुंबकीय प्रवृत्ति, चुंबकीय पारगम्यता पढ़ चुके हैं, विभिन्न चुंबकीय राशियों में संबंध ये भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या बचता है, चुंबकीय शैथिल्य, यहां तक हम पढ़ चुके हैं, यहां से लेकर यहां तक हम पढ़ चुके हैं। अब हमारे चैप्टर नंबर 8 में ये टॉपिक बचता है चुंबकीय शैथिल्य एवं BH वक्र, पर तो अपन ये भी चुके हैं, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है। आप चुंबकीय शैथिल्य एवं BH वक्र, या शैथिल्य वक्र बोलते हैं इसको, और क्यूरी नियम हम पढ़ चुके हैं एवं क्यूरी ताप। तो ये टॉपिक आपके सिलेबस में है चैप्टर नंबर 8 में, और ये आपके टॉपिक हटा दिए गए हैं जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप इनको लिख लेना, तो उसी हिसाब से आप अपने स्टडी करें, और बोर्ड की वेबसाइट पर जाके या स्कूल से भी पूरी आप PDF फाइल ले सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हमारे सिलेबस में है, क्योंकि अब उसी हिसाब से आपको स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है बच्चों। तो जल्द ही मिलेंगे ऑफलाइन क्लासों में। तो अभी तो हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। थोड़ी देखो, आपको स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी, पहले आपको अपने सिलेबस के हिसाब से स्टडी करनी चाहिए, ठीक है। अब फिर टाइम बचता है आपके पास, फिर आप कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो। ओके,
तो जैसा कि आपको पता है कि चैप्टर नंबर 8 इज गोइंग ऑन, ठीक है। कल क्लास नहीं हुई आपकी, कुछ कारण था, तो आज हम क्लास ले रहे हैं अपनी। चैप्टर नंबर 8 कंटिन्यू चल रहा है। और देखो, हम प्रतिचुंबकीय पढ़ चुके हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थों को हमने सीख लिया है, जो चुंबकीय क्षेत्र से क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ भी हम सीख चुके हैं, जो आकर्षित होते हैं। तो आज जो मैंने आपको तीसरा टाइप बताया था उसको हम पढ़ेंगे। तो थर्ड नंबर, यानी आज का टॉपिक हमारा क्या है, लोहो चुंबकीय पदार्थ। लोहो चुंबकीय पदार्थ यानी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस यानी लोहो चुंबकीय पदार्थ के बारे में आज हम बात करेंगे। देखो बच्चों, ये पदार्थों का व्यवहार ही है चुंबकीय क्षेत्र में, जिसने हमने तीन भागों में, तीन वर्गों में हमने जिस तरह पदार्थ को बांटा है, एक अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और थर्ड लास्ट हमारा क्या है, लोहो चुंबकीय पदार्थ। तो देखो, लोहो चुंबकीय पदार्थ और जो अनुचुंबकीय पदार्थ हैं, यानी हमने अनुचुंबकीय पदार्थों को तो पढ़ लिया है, लोहो चुंबकीय पदार्थ और अनुचुंबकीय पदार्थों में केवल और केवल इंटेंसिटी का अंतर होता है। किसका अंतर होता है? तीव्रता का अंतर होता है, प्रबलता का अंतर होता है। बस आप ऐसा कह सकते हो कि अनुचुंबकीय थोड़ा स्लो है, थोड़ा मंद है, और ये थोड़ा फास्ट है, थोड़ा स्ट्रांग है लोहो चुंबकीय पदार्थ। तो अनुचुंबकीय और लोहो चुंबकीय में केवल किसका अंतर होता है? केवल और केवल तीव्रता का अंतर होता है। देखो, आप समझेंगे इस बात को। देखो, सबसे पहली बात क्या है, परिभाषा क्या होती है। जैसे हमने अनुचुंबकीय पदार्थ में देखा था कि ऐसे चुंबकीय पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र से क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, अर्थात जिन पर जो बल लगता है या जिनका जो विस्थापन होता है, वो कम तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र से अधिक तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र की ओर होता है। तो बिल्कुल यही बात इसमें भी करेंगे कि ऐसे चुंबकीय पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र से प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र से देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ऐसे चुंबकीय पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र से, चुंबकीय क्षेत्र से कैसे प्रबल रूप से क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, प्रबल रूप से आकर्षित। केवल प्रबलता का अंतर है, बहुत ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। तो ऐसे चुंबकीय पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र से प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं, यानी जिनका जो विस्थापन होता है, जिनका विस्थापन कम तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र से, यानी जिस स्थान पर क्षेत्र कम है, कम तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र से अधिक तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र की ओर होता है। लेकिन कैसे? प्रबलता से होता है, और प्रबलता से होता है। तो ये लौह चुंबकीय पदार्थ की परिभाषा है कि ऐसे चुंबकीय पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र से प्रबल रूप से क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, अर्थात जिनका जो विस्थापन है, अगर हमने किसी असमान चुंबकीय क्षेत्र, असमान का मतलब ये हुआ कहीं ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र है, कहीं कम चुंबकीय क्षेत्र है, यानी जो चुंबकीय क्षेत्र की इंटेंसिटी है, जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, उसमें अंतर है। तो उस जगह किसी लोह चुंबकीय पदार्थ को रखोगे तो आप देखोगे कि उसका जो विस्थापन हो रहा है वो कम तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र से अधिक तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र की ओर होता है। लेकिन अनुचुंबकीय पदार्थ का भी होता है, तो उसमें अंतर केवल किसका होता है? प्रबलता का, ठीक है।
तो इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे मान लो आपका फेरम, कोबाल्ट, निकिल, मैग्नेटाइट, Fe3O4, ये सब कैसे पदार्थ होते हैं, लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो गुण वही है इनके। जैसे हमने अनुचुंबकीय में पढ़ा कि अगर किसी लोह चुंबकीय पदार्थ की छड़ को, किसी लोह चुंबकीय पदार्थ की छड़ को हम एक चुंबकीय क्षेत्र में लटका दें, ये एन हो गया और क्या हो गया बच्चों, एस हो गया। तो अगर किसी लोह चुंबकीय पदार्थ के छड़ को हम चुंबकीय क्षेत्र में लटका देते हैं तो छड़ घूमकर कैसे हो जाती है, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाती है। ठीक है, बहुत जल्दी से बिल्कुल चुंबकीय अक्ष कैसे हो गई, समांतर हो गई। दूसरा कि इस लोह चुंबकीय पदार्थ के छड़ में चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बहुत ज्यादा होती है बजाय किसके, निर्वात की तुलना में। तो ये सब बातें वही है जो हमने अनुचुंबकीय में पढ़ी है, केवल अंतर किसका, तीव्रता का। लेकिन अब यहां से जाने वाली जो बल रेखाओं की संख्या है उनकी संख्या ज्यादा होगी अनुचुंबकीय पदार्थ की तुलना में। तो लोह चुंबकीय पदार्थ में जो गुजरने वाली बल रेखाएं हैं वो ज्यादा होती हैं बजाय किसके, निर्वात के। ठीक है, हमने भी पढ़ा है कि जो अगर अपन एक असमान चुंबकीय क्षेत्र बनाए, मान लो एन है हमारे पास और ये मान लो हमारे पास क्या बच्चों, एस है, ध्रुव मान लो पास पास है, सपोज करो इसको मैं पास पास बनाऊं, देखो वही गुण है। तीसरा हम क्या लेके चलते थे कि सपोज कर हमारे पास इस तरह ये मान लो एन है और क्या है, एस, ध्रुव पास पास है और हमने यहां एक कांच की प्याली ली है, उसमें आपने क्या रखा, कोई चुंबकीय पदार्थ रखा। ठीक है, तो अब यहां पास पास है तो यहां जो मध्य वाले भाग में ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र है तो इसका उठाव भी ज्यादा होता है बजाय किसके, अनुचुंबकीय पदार्थ की तुलना में। तो मध्य वाले भाग में उड़ जाएगा और किनारों से क्या होगा, दब जाएगा, नहीं उठाव ज्यादा होगा, यह उठाव ज्यादा है अनुचुंबकीय पदार्थ से। ठीक है, यह हमारा कोई लवण है सपोज करो। अब मान लो अगर हमने ध्रुवों को दूर दूर रख दिया, ठीक है, तो अब क्या होगा, यहां चुंबकीय क्षेत्र कम है तो अब यहां से उठेगा और यहां दबेगा और यहां उठ जाएगा, तो यहां जो दबाव होगा वो होगा और यहां क्या होगा, उठाव, इन दोनों ही अनुचुंबकीय से क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो बिल्कुल वही बात है, केवल अंतर किसका होता है, तीव्रता का अंतर होता है। अनुचुंबकीय पदार्थ से ज्यादा तीव्रता होती है किसकी, लोह चुंबकीय पदार्थों की। अब मेन जो बातें आती है इसमें कि जैसे हम परमाणविक मॉडल के आधार पर हमने अनुचुंबकत्व की व्याख्या की, प्रतिचुंबकत्व की व्याख्या की, तो ऐसे ही लोह चुंबकत्व की व्याख्या करें परमाणविक मॉडल के आधार पर परमाणविक मॉडल के आधार पर लोह चुंबकत्व की व्याख्या, परमाणविक मॉडल के आधार पर लोह चुंबकत्व की व्याख्या करें। देखें लोह चुंबकत्व का परमाणु मॉडल क्या कहता है, लोह चुंबकत्व का परमाणु मॉडल ये कहता है कि अगर हम किसी लोह चुंबकीय पदार्थ को किसमें रखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो बिल्कुल अनुचुंबकीय पदार्थों की बात ही प्रबल रूप से क्या होता है बच्चों, चुंबकित हो रहे हैं, केवल यहां अंतर किसका होता है, प्रबलता का। तो लोह चुंबकत्व के बारे में जो परमाणु मॉडल कहता है वो क्या कहता है कि लोह चुंबकत्व में परमाणु की अन्योन्य क्रियाएं होती हैं, परमाणु की अन्योन्य क्रियाओं के द्वारा कोई भी लोह चुंबकीय पदार्थ है उसमें उपस्थित जो परमाणु है उन परमाणुओं के मध्य प्रबल अन्योन्य क्रियाएं होती हैं। क्या होती है बच्चों, अन्योन्य क्रिया, आपस में होने वाली क्रिया,
म्यूचुअल इंट्रैक्शन। अणुचुंबकीय पदार्थ की भांति लोह चुंबकीय पदार्थ का भी प्रत्येक परमाणु एक चुंबक होता है, यानी हर परमाणु का एक चुंबकीय आघूर्ण होता है, ठीक है। लेकिन अणुचुंबकीय में तो क्या था कि जब तक आपने कोई क्षेत्र नहीं लगाया वो अनियमित रूप से व्यवस्थित थे। यहां क्या होता है, यहां बहुत ज्यादा परमाणु है आपके पास, प्रबल अन्योन्य क्रिया होती है, तो ये परमाणु आपस में मिलकर बच्चों डोमेन बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? डोमेन। परमाणु की आपस में होने वाली अन्योन्य क्रियाओं के द्वारा क्या बन जाते हैं, पदार्थ के भीतर डोमेन बन जाते हैं। डोमेन का मतलब यह होता है कि अब इसमें जितने भी परमाणु होंगे इस डोमेन में, इस क्षेत्र में, इस प्रांत में जितने भी परमाणु होंगे सबका चुंबकीय आघूर्ण एक डायरेक्शन में होगा। कहने का मतलब, जैसे मान लो ये हमने इस तरह कोई लोह चुंबकीय पदार्थ लिया, ठीक है, अब परमाणु के आपस में होने वाली क्रियाओं के कारण यहां क्या बन गए, डोमेन बन गए, एक दो तीन चार, चार डोमेन बन गए। तो यहां सभी के परमाणु के चुंबकीय आघूर्ण इस डायरेक्शन में, यहां मान लो इस डायरेक्शन में, यहां इस डायरेक्शन में, यहां इस डायरेक्शन में। तो आप देख रहे हो कि जो भी डोमेन है उससे पड़ोसी वाला जो डोमेन है वो विपरीत दिशा में चुंबकित है, यानी यहां पर जो भी आपके पास परमाणु है उन सबका चुंबकीय आघूर्ण इस डायरेक्शन में, इसके पास वाले का चुंबकीय आघूर्ण इस डायरेक्शन में। कहने का मतलब यह हुआ, डोमेन में, प्रत्येक डोमेन में, पहली बात परमाणु संख्या बहुत ज्यादा होती है, प्रत्येक डोमेन में लगभग 10 की पावर 17 से 10 की पावर 21 तक परमाणु होते हैं, जो अपने आप में बहुत ज्यादा संख्या है। तो अब इस डोमेन में जितने भी परमाणु है उनका चुंबकीय आघूर्ण इस डायरेक्शन में हो गया, लेकिन इसके पास वाले डोमेन में जो परमाणु है, जो परमाणु चुंबक है, उनका चुंबकीय आघूर्ण इससे क्या होता है, विपरीत दिशा में होता है। ऐसे मान लो ये ऊपर वाला डोमेन है उसका इस डायरेक्शन में है, तो इसका पड़ोसी नीचे वाला, इसका चुंबकीय आघूर्ण विपरीत दिशा में हो गया। तो बिल्कुल बात क्लियर है कि इसका चुंबकीय आघूर्ण ये कैंसिल कर देगा, ऐसे इसका चुंबकीय आघूर्ण ये कैंसिल कर देगा। यानी जब तक अगर आप कोई क्षेत्र नहीं लगाओगे तो इनका नेट चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, जीरो होता है। चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में जब तक अगर आपने कोई बाह्य क्षेत्र नहीं लगाया तब तक इनका जो नेट चुंबकीय आघूर्ण है वो क्या होता है, जीरो होता है। अब मान लो आपने चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया, अब हमने बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया, तो अब ये पदार्थ क्या होते हैं, चुंबकित होते हैं। लेकिन यहां लोह चुंबकीय पदार्थों का जो चुंबकन है वो दो विधियों से होता है, उसको हम डिस्कस करें। देखो, लोह चुंबकीय पदार्थों का जो चुंबकन है, यानी जब हम किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में लोह चुंबकीय पदार्थ को रखते हैं तो उसका जो चुंबकन है वो कितनी विधियों से होता है, दो विधियों से होता है। पहली विधि का नाम है डोमेनों की परिसीमाओं के विस्थापन द्वारा, डोमेनों की परिसीमाओं के विस्थापन द्वारा। ठीक है, जब किसी लोह चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उनकी तीव्रता के हिसाब से, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के हिसाब से जो चुंबकन की विधियां है वो अलग अलग है। पहली विधि का नाम क्या है, डोमेनों की परिसीमाओं के विस्थापन द्वारा। तो इस विधि से चुंबकन कब होता है, जब आपने जो चुंबकीय क्षेत्र लगाया है वो कैसा है बच्चों, दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र है, दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र में जो चुंबकन होता है वो इस विधि से होता है, डोमेनों की परिसीमाओं के विस्थापन द्वारा। समझने के लिए, जैसे मान लो हमारे पास ये पदार्थ था, और ये सब डोमेन बने हुए थे, ठीक है। तो यहां भाई डोमेन हमारे पास चार हमने बना दिए हैं समझने के लिए, और यहां पर इस तरह आप मान सकते हो कि परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण है। ठीक है बच्चों, अब सपोज करो यहां तो हमने कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं लगाया,
चुंबकीय क्षेत्र कैसा है? अनुपस्थित है। अब मैं दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र लगा रहा हूं इस डायरेक्शन में, मैंने चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया, तो अब होगा क्या कि जो डोमेन इसकी दिशा में होगा, डोमेन इसकी दिशा का मतलब क्या है, जिस डोमेन का चुंबकीय आघूर्ण बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होगा तो बच्चों उसका आकार तो बढ़ जाता है, और जिसका विपरीत दिशा में होगा उसका आकार घट जाता है। जिस डोमेन का चुंबकीय आघूर्ण, जिस मान लो उसको मैं नाम दे दिया, ये पहला डोमेन, ये दूसरा डोमेन, ये तीसरा डोमेन और ये चौथा डोमेन, तो जिस डोमेन का चुंबकीय आघूर्ण, जिस डोमेन के चुंबकीय आघूर्ण की दिशा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश होती है उसका आकार बढ़ जाता है, और जिसकी विपरीत होती है उसका आकार घट जाता है। तो आप कहोगे कि सर पहले वाला जो डोमेन आप देख रहे हो वो इसकी दिशा में है, तो पहले वाले का आकार तो बढ़ेगा और तीसरे वाले का आकार जो विपरीत दिशा में उसका क्या होगा, घटेगा। अब दो और चार का क्या होगा, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, वो अपने हिसाब से व्यवस्थित हो जाएंगे। देखो तो जैसे ये हमारे पास पदार्थ था, ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि पहले वाला डोमेन का आकार बढ़ना चाहिए, तो हमने इसका आकार बढ़ाया, ये देखो, अब ये पहले वाला जो डोमेन है इसका आकार बढ़ गया, अब देख रहे हैं, और ये तीसरा वाला डोमेन था इसका आकार क्या हो गया, घट गया। तो अब ये हमारे दूसरे और तीसरे हैं, तो ये तो कैंसिल कर देंगे, लेकिन अब ये इसको कैंसिल नहीं कर पाएगा क्योंकि अब ये बराबर नहीं है, ये ज्यादा है ये कम है। तो इस स्थिति में पदार्थ में क्या उत्पन्न होता है, नेट चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है कुछ ना कुछ। अब ये जीरो नहीं है नेट चुंबकीय आघूर्ण, यहां चुंबकीय क्षेत्र नहीं था तो जो नेट चुंबकीय आघूर्ण था पदार्थ का वो क्या था, जीरो। अब यहां चुंबकीय क्षेत्र है तो जिस डोमेन की दिशा में होगा चुंबकीय क्षेत्र उसका आकार बढ़ेगा और विपरीत वाले का घट जाएगा। तो पहले वाले डोमेन का आकार बढ़ गया है, तीसरे वाले का आकार घट गया है, तो अब पदार्थ में नेट चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा। ये पहली विधि है डोमेनों की परिसीमाओं के विस्थापन द्वारा, इसलिए इसका नाम है परिसीमाओं के विस्थापन द्वारा, कि बाउंड्री चेंज हो गई, इसकी बाउंड्री बढ़ गई, इसकी बाउंड्री घट गई, इसकी परिसीमा बढ़ गई, इसकी परिसीमा घट गई। तो ये विधि है डोमेनों की परिसीमाओं के विस्थापन द्वारा। कब होती है ये, जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, दुर्बल होता है, ठीक है। अब दूसरी विधि लें, तो दूसरी विधि का नाम है डोमेनों के घूर्णन द्वारा बाय रोटेशन ऑफ डोमेन्स, डोमेनों के घूर्णन द्वारा। तो जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र जो हम लेते हैं वो अगर प्रबल है, उसकी तीव्रता बहुत ज्यादा है, तो इस विधि से चुंबकन होता है डोमेनों के घूर्णन द्वारा। अब इसमें क्या होगा, मान लो हमारे पास ये चुंबकीय पदार्थ था और मान लो हमने यहां चुंबकीय क्षेत्र लगाया, ठीक है, तो जितने भी डोमेन थे अब उनके साइज में कोई अंतर नहीं होगा, साइज उनका वही रहेगा, लेकिन अब सभी का जो चुंबकीय आघूर्ण है, हर डोमेन का चुंबकीय आघूर्ण अब इसी की डायरेक्शन में आ जाएगा, प्रत्येक डोमेन घूमकर इसी की डायरेक्शन में आ गया, आप देख सकते हैं जितने भी डोमेन थे सभी डोमेन घूमकर रोटेट हो गए, इसी को बोला डोमेन के घूर्णन द्वारा, सभी डोमेन घूमकर चुंबकीय क्षेत्र, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र जो है उसकी दिशा में संरेखित हो जाते हैं, यानी अब नेट चुंबकीय आघूर्ण जीरो नहीं होता। तो पदार्थ में क्या आ गया, चुंबकत्व आ गया, यानी चुंबकीय आघूर्ण की उपस्थिति हो गई है, अब ये जीरो नहीं है। तो डोमेनों के घूर्णन द्वारा कब होता है लोह चुंबकीय पदार्थ का चुंबकन, जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, प्रबल होता है। इस विधि में सभी डोमेन घूमकर, चाहे उसकी दिशा में हो चाहे नहीं हो, सभी डोमेन घूमकर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आ जाते हैं, जिससे पदार्थ में नेट चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। तो ये विधि है डोमेनों के घूर्णन द्वारा, ठीक है।
अब क्वेश्चन ये आता है कि जैसे लोहा एक लोहो चुंबकीय पदार्थ है, नहीं लोहे का हर टुकड़ा चुंबक नहीं होता, तो आप उसमें बता सकते हो कि भाई लोहा एक लोहो चुंबकीय पदार्थ है इसलिए उसमें क्या बने होते हैं, डोमेन बने होते हैं। क्या बने होते हैं? डोमेन। तो हर डोमेन का चुंबकीय आघूर्ण उसके पड़ोसी वाले डोमेन से क्या होता है, विपरीत दिशा में होता है। इसके कारण यानी इसको ये कैंसिल कर देगा, इसको ये कैंसिल कर देगा। तो लोहे में डोमेन है, लोहा एक लोह चुंबकीय पदार्थ है उसमें डोमेन बने हुए हैं। तो डोमेन का जब तक अगर आप कोई छेद नहीं लगाओगे, इस छेद की अनुपस्थिति में जो नेट चुंबकीय आघूर्ण है वो क्या रहेगा, जीरो रहता है। इस लोहे का हर टुकड़ा चुंबक नहीं होता है, उसे चुंबक बनाना पड़ता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।